अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाकर लाया हूँ। ये अक्सर लोगों ने मुझसे कहा है कि बैक हैंड स्प्रिंग, जो कि बैक फ्लिक भी लोग कहते हैं उसे, उसके ऊपर वीडियो हमें चाहिए। तो दोस्तों, बैक फ्लिप की वीडियो जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, लेकिन सबसे पहले अभी मैं जो कर रहा हूँ वो है मेरी बैक हैंड स्प्रिंग वीडियो। दोस्तों, इसमें बहुत ही डर लगता है हमें करते हुए, लेकिन इसमें कोई डरने की बात होती नहीं है। डरते डरते हम ज़्यादा चोट लगवा लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, पहली बात जो है, जब हम होते हैं स्टेज पर तो हमें पीछे जाते वक्त काफ़ी डर लगता है। इस पोजीशन में आने के लिए काफ़ी डर लगता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो इसी तरह करते करते हमारा हैंड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, लेकिन हमारा हैंड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो हमारी इस ईयर पोजीशन आ नहीं पाती। जब हमारी ईयर पोजीशन आएगी तो भी हमारे से बैक हैंड स्प्रिंग हो पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपसे ये बैक हैंड स्प्रिंग नहीं हो पा रहा है तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी पोजीशन में खड़े होना है और इसी तरह रहना है। ये इसी तरह करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये करिएगा सिर्फ और सिर्फ नरम जगह पर। तो करने के लिए आपको सिर्फ बैक हैंड स्प्रिंग पूरा नहीं करना, ये आपको पीछे घूम कर लेटना है। पैरों के हाथों को बल करना नहीं होना, सिर्फ जिस तरह की ये लेटा हुआ है इसी तरह आपको लेटना है, घूम कर पीछे की तरफ लेटना है। बेशक आप बेड पर, चारपाई पर, जहाँ पर मर्जी करें, लेकिन नरम जगह हो। अगर नरम जगह ना हुई तो आपसे मिस्टेक होकर आप गिर भी सकते हैं। और जहाँ तक बात है हिम्मत की, डर जो लगता है, सबसे पहले अगर आप ये कर लेंगे, सिर्फ एक दफ़ा अगर करेंगे तो आपका डर क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा आपका डर। इस पोजीशन से आपने इस पोजीशन में आते हुए इस तरह लेटना है, इस तरह नहीं करना, हाथ नहीं लगाने, इस तरह लेटना है सीधा, ठीक है। पैरों को पीछे ले जाकर लेटना है, पैर खड़े नहीं करने। इस तरह आपने 2-3 मरतबा करना है, जिससे आपका डर निकल जाएगा। और फिर डर निकलेगा तो फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ लगाने हैं, हाथों के बल यूँ खड़े होना है, और फिर अपने घुटनों के बल बैठ जाना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप इस तरह होकर खड़े हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको